श्री हनुमान वेदीमल जी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का आपने अवसर दिया। आपके माध्यम से राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित रामगढ़ बांध के संरक्षण को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 1902 में इस बांध का निर्माण हुआ, 1933 से जयपुर के अंदर पेयजल सप्लाई शुरू हुई। रामगढ़ बांध वर्ष 2003 तक जयपुर जिले के लोगों की प्यास बुझाता रहा। वर्ष 1982 में तो एशियन खेलों में नौकायन प्रतियोगिता के भी साक्षी बना, लेकिन वर्ष 2004 से इस बांध का गला घोंटने का काम शुरू हुआ और अगले साल ही पानी आना बंद हो गया, फिर बांध सूखता चला गया। सब तो इसके कैचमेंट क्षेत्र का गला घोंटने के लिए रसूखदारों को बाव क्षेत्र में ही जमीन आवंटन कर दी गई। इसके बाद अतिक्रमियों के भी हौसले बुलंद हो सके। सभापति महोदय, देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका ने पहले मर गया रामगढ़ और फिर पुनर्जीवित करें रामगढ़ शीर्षक से अभियान चलाया। खबरों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया और कई रसूखदारों की जमीन के आवंटन निरस्त हुए। 29 मई 2012 को हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना। भू राजस्व अधिनियम को ध्यान में रखे बिना नदी नाले तालाब बांध आदि से जुड़ी भूमि पर किए गए आवंटन को निरस्त करने का आदेश दिए। 3172 रेफरेंस को राजस्व मंडल को भेजे गए, इसमें से अब तक 2052 रेफरेंस में निर्णय आया और 1650.68 हेक्टर जमीन को सिवाय चेक दर्ज किया गया। 35% मामलों में फैसला आना बाकी है। रामगढ़ बांध और अन्य जल स्रोतों को बचाने और लगातार मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई राज्य स्तरीय हाई पावर कमेटी निष्क्रिय। हालत यह कि कमेटी की अंतिम बैठक करीब 3 साल पहले हुई थी, इसके बाद मामले की सुधि नहीं ली गई, जबकि हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में 9 विभागों के सचिव प्रमुख सचिव शामिल है। सभापति महोदय, रामगढ़ बांध के बाव क्षेत्र में कई रसूखदारों को भूमि आवंटन किया हुआ, यहाँ रिसोर्ट होटल फार्म हाउस बने हुए हैं। हाईकोर्ट की फटकार के बाद भले ही सरकार ने इनके रेफरेंस राजस्व मंडल में भेज दिए, लेकिन रसूखदारों के भूमि आवंटन निरस्त करने के लिए सक्रिय नहीं है। मैंने पूर्व में भी पत्र लेकर जब इस बांध के संरक्षण की मांग प्रधानमंत्री जी से की तो जल शक्ति मंत्रालय 2 फरवरी 2021 को मुझे पत्र के माध्यम से बताया कि बांध पुनर्वास और सुधार योजना में राजस्थान के 189 बांध में से रामगढ़ बांध भी पुनर्वास हेतु सम्मिलित है, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसको लेकर कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। मेरी मांग है कि मंत्रालय इसकी वर्तमान स्थिति तलब करे और यदि राज्य ने नहीं भेजा है तो आप यहाँ से मंगवाए। समझ महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है, एक ही निवेदन कीजिए, एक मिनट में पूरा लॉटरी में सर। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिए गए निर्णय को पूर्ण रूप से रामगढ़ बांध के बाव क्षेत्र में लागू किया जाए और इस मामले में जो भी रेफरेंस विभिन्न न्यायालयों में लंबित है उनका माननीय उच्च न्यायालय तत्काल समयबद्ध तरीके से निपटारा करे और इसके बाव क्षेत्र में आने वाले एनीकट का तुरंत वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण कराकर हल निकाला जाए, क्योंकि रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करना अत्यंत आवश्यक है। इसको लेकर रामशंकर जी आवर है आज हम ही तो आए साहब, सुनो हजार आधा मिनट में शून्य प्रहर में इतना आधा मिनट कीजिए समाप्त कीजिए, एक मिनट सर रामशंकर जी आधा मिनट। सभापति महोदय, राजस्थान के 13 जिलों जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी जिसमें रामगढ़ बांध में भी पानी लाने की योजना सम्मिलित है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री जी से राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में झिझक रहे हैं। मेरी मांग है कि रामगढ़ बांध के संरक्षण के साथ ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें और गेंद राज्य के पाले में नहीं डाले और कर्नाटक में जिस तरह विशेष पैकेज दिया उसी तरह राजस्थान की ईआरसीपी के लिए विशेष पैकेज दिया जाए।